ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास कुछ कोड्स हैं जिनको हम डिजिटल सर्किट में यूज करते हैं। मींस के डिजिटल सर्किट के अंदर हम कुछ कोडेड फॉर्म में हम डेटा को, सिग्नल को सेंड करते हैं। तो उन कोड में हमारे पास सबसे पहला जो कोड है वो बीसीडी कोड है, जिसको बाइनरी कोडेड डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन है डेसिमल नंबर्स की। 0 से 9 तक आपके पास डेसिमल डिजिट्स होते हैं, और इनको जब आप बाइनरी कोडेड डेसिमल में आप लिखते हैं तो 4 बिट के फॉर्मेट में लिखते हैं। 4 बिट का फॉर्मेट से मुराद ये है कि आपने हर डिजिट को 4 बाइनरी बिट्स में आपने कन्वर्ट करके लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास जो वेट होता है 4 बिट का, वो आपके सामने 1248, ये वेट है बेसिकली। बीसीडी कोड का वेट है, मीन्स कि आपके पास 4 बिट्स है और हर बिट की एक पोजीशन है, और उस पोजीशन के मुताबिक उसका वेट जो जनरेट होता है, कैसे जनरेट होता है वो आपको फार्मूला पता है। वेट इज इक्वल टू बेस रेज टू पावर पोजीशन। तो जो उसकी बेस है, बेस 2 है, तो उसके मुताबिक जो वेट उनके बनेंगे 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2 एंड 2 रेज टू पावर 3। तो इस तरह से 4 वेट बनते हैं, 1248। तो इसके मुताबिक हर डेसिमल डिजिट को आपने बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना है, और वो कोड कौन सा होगा? बीसीडी कोड कहलाएगा। ठीक है, 4 बिट के ऊपर मुश्तमिल होगा। तो यहाँ पे आपके पास एक टेबल है जिसमें तमाम डेसिमल डिजिट को लिखा गया है 0 से 9 तक, और उनके रेलिवेंट जो कोड हैं, 4 बिट कोड हैं, वो आपके सामने मेंशन्ड है। बाइनरी कोड है जो आपने पहले स्टडी किए हैं। ठीक है, क्लियर है जी? जी जी सर। सर। अच्छा, तो उसके बाद हमने ये बात की थी कि क्योंकि इसको हम रिपीट कर रहे हैं ना, बीसीडी कोड को रिपीट कर रहे हैं, आपके कुछ स्टूडेंट के कहने पर रिपीट कर रहे हैं, तो उसमें इनवैलिड कोड भी होते हैं। इनवैलिड कोड से मुराद ये है कि 9 के ऊपर जितने भी नंबर्स होंगे या डिजिट होंगे वो सारे इनवैलिड होंगे। मतलब अगर आप 4 बिट्स को आप कंसीडर करते हैं ना, 4 बिट को कंसीडर करने का मतलब ये है कि कितने कॉम्बिनेशन? 2 रेस्ट पावर 4। तो 2 रेस्ट पावर 4 मतलब 4 बिट्स है ना आपके पास, और बेस इसकी 2 है। तो 2 रेस्ट पावर 4 क्या होता है? 16। तो 16 पॉसिबिलिटीज या 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं आपके सामने। ठीक है, 16 आपके पास कॉम्बिनेशन बनते हैं 4 बिट्स के बिहाफ पर, और उनमें से हमने यूज कितने करने होते हैं? पहले 4। ठीक है, तो उसके बाद जितने भी आपके कॉम्बिनेशन है वो सारे के सारे इनवैलिड कॉम्बिनेशन होंगे। क्लियर? सही, रिपीट कर दें। मैंने आपको बताया कि जो बीसीडी कोड, बाइनरी कोडेड डेसिमल है, वो बेसिकली डेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो डेसिमल डिजिट है वो 0 to 9 है। 0 to 9 के बाद जितने भी डिजिट हैं, अगर कोई डिजिट आता है, जैसे हेक्साडेसिमल के डिजिट आ जाते हैं 10, 11, 12, इस तरह से आपके पास 15 तक, 6 यानी 0 से 15 तक आपके पास 16 डिजिट बनते हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट होते हैं। तो आपने कंसीडर कौन से करने? सिर्फ डेसिमल कंसीडर करने, 0 to 9। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 4 बिट्स के अल्टरनेट लिखने 0 से 9 तक। 9 के ऊपर आपका जो कोड होता है वो 10 है। मतलब आपके पास जो बाइनरी बिट्स होती हैं वो 4 बिट्स के फॉर्म में आपके पास 1010 होता है, जिसको हम 10 बोलते हैं या ए बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4-4 के कॉम्बिनेशन है। ठीक है, 4-4 बिट्स के कॉम्बिनेशन हैं, सारे कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? इनवैलिड है, जबकि हमारे पास वैलिड कौन से? बीसीडी के अंदर 0 से 9 तक। ओके सर। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट हमारे पास नंबर्स हैं डेसिमल फॉर्म में। हर डिजिट को आप 4 बाइनरी बिट्स की, जी
सर इसको किसी और तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये मेरे ऊपर से ही गुजर गया है। सिंपल, आप ये बताएं कि डेसिमल डिजिट्स में कितने टोटल डिजिट्स हैं? 10 नहीं होते हैं सर, 0 से 9 तक। 0 से 9 तक। और जी जबकि सर, हमने हर डिजिट को कितनी बिट्स में लिखना है? 4 बिट्स में। 4 बिट्स में। अगर हम 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन बनाएं, 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन बनाएं, कॉम्बिनेशन से हमारा 0 और 1 का कॉम्बिनेशन, या सारे 0 या सारे 1 या उनका कॉम्बिनेशन, ऐसे ना, जी सर, जी सर। तो 4 बिट के कॉम्बिनेशन बनते हैं 16। कैसे बनते हैं? आपके पास फॉर्मूला है 2 रेस्ट पावर n। ठीक है, n आपके पास नंबर ऑफ बिट्स, जी सर। 4 यहाँ पे हमने बात की है ना, 4 बिट्स, तो इसका मतलब 2 रेस्ट पावर 4। जी सर, 2 2 की n, ठीक हो गया, 16 हो गया। 16 हो गया। तो आपके पास जो बाइनरी कोड्स बनते हैं वो 16 बनते हैं, 0 से लेकर all 1 तक, यानी 15 तक। जी सर, इसका मतलब ये वाले, ये जो लिखे हुए हैं 10 10 10 11 11 00 11 01 और ये 0000 01 0 और tetra 1, ये भी तो इस 4 बिट्स में ही शामिल हैं। जी सर। मतलब ये हुआ कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके पास 10 ये हैं, 6 ये हैं। जी सर, तो डेसिमल को हमने रिप्रेजेंट करना है, तो डेसिमल के अल्टरनेट जो बाइनरी बिट्स हैं वो यहाँ तक है। तो जी सर, बाकी जो 6 है ना ऊपर वाले कॉम्बिनेशन, उसको हम इनवैलिड कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ओके सर। टोटल आपके पास 16, 16 में से 10 आपने यूज करने हैं, बाकी 10 आपने इनवैलिड कंसीडर करने हैं। ठीक सर, क्लियर? जी सर, अच्छा, अब थैंक यहाँ यू। पे 35 है, तो 35 को इस तरह से लिख सकते हैं, 4 4 के बिट्स में 0 1 0 1 ये 5 है और 0 0 1 1 ये 3 है, लिख सकते हैं। जी सर। यस सर। वेट फार्मूला आपके पास वही है जो मैंने आपको बताया था। वेट फार्मूला आपको मैं दोबारा लिख देता हूं, 8 4 2 1, ये वेट फार्मूला है। इसके मुताबिक आप कोई भी डिजिट की वैल्यू आप निकाल लें। अब बताएं इनमें से कौन से डिजिट की वैल्यू निकालनी है? सर 170। 170 की। इसका मतलब पहले तो 0 है, पहले ये 0 है ना, तो 0 का वेट निकालने के लिए 4 0 आ गए, ठीक है। 7 का वेट निकालने के लिए 8, तो उसमें शामिल नहीं होगा, बाकी तीनों वेट शामिल होंगे, 4 2 1 7, ठीक है। और 1 आपने करना है तो 0 0 0 1, तो इस तरह से आपके पास ये 3 4 4 बिट्स में आ गए। ऐसे ही है, यस सर। तीनों डिजिट 4 4 बिट्स में आ गए, तो इनको हम लिख सकते हैं टेट्रा 0 0 1 1 1 और टेट्रा 0 1, सॉरी 0 0 1। सर तो ये यही कोड है जो अभी हमने लिखे। यस क्लियर? जी सर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी, यहाँ पे देखते हैं ये कुछ। अब क्या करना है हमने, अब आपके पास बाइनरी बिट्स दी हुई है और आपने उसको कन्वर्ट करना है बीसीडी कोड में। बाइनरी बिट्स दी हुई है, आपने उसको कन्वर्ट करना है बीसीडी कोड में, तो आपने क्या करना है, आपने राइट साइड से आपने स्टार्ट करना है और 4 4 बिट का आपने पेयर बनाते जाना है। मतलब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 4 बिट का पेयर बनाएंगे, तो 4 बिट के पेयर में आपके पास जो भी उसकी उसका वेट बनता है, 4 बिट में जो भी उसका वेट बनता है वो आपने राइट डाउन कर देना है। तो यहाँ पे देखें, पहला 4 बिट और दूसरा पेयर 4 बिट में, तो कितने पेयर हैं? 2 पेयर हैं, तो इसका वेट 6 है और इसका वेट 8 है। क्लियर?
अच्छा जिसने क्वेश्चन करना है ना वो अपना माइक ऑन करे, बाकी अपने माइक बंद कर दी, डिस्टॉर्शन आ रही है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे है, 4 बिट मुकम्मल करें, एक पेयर जिस इसका वेट 1 है, 1 हमने लिख दिया। अब आपके पास दूसरा पेयर है, इसको हमने 5 लिख दिया, और ये आपके पास तीसरा पेयर, ये आपके पास 3, तो 3 5 1 इसका बेसिक डेसिमल वैल्यू। इसी तरह आपके पास ये है 40, उसके बाद 0 111, 0100, और उसके बाद 1001। तो इनके रेलिवेंट वेट आप लिखते जाएं और वो आपके पास डेसिमल वैल्यू जनरेट हो जाएगी। क्लियर सर? इनके अगर हमारे पास मतलब ये 10 7 9 की बजाय, तो मतलब वो इनवैलिड हो जाएगा? वो इनवैलिड होगी। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, अब ये आपके पास हम आंसर में मेंशन, हम आंसर में मेंशन भी करेंगे कि ये जो रिमेनिंग रह गई वो आप देखें। जब आप 4 बिट्स की बात करते हैं ना, तो 4 4 4 बिट्स के आपने पेयर बनाने हैं। ठीक, आपने उसके पेयर के मुताबिक आपने उसका कोड लिखना है, उसका डेसिमल वैल्यू आपने लिखना है, ऐसे ना। जब आपके पास जी सर, जब आपके पास ऐसी वैल्यू आ जाए जैसे मैंने आपको बताया 10 है, 1010 आ जाए, अगर कॉम्बिनेशन में 1010 आ जाए, तो क्या ख्याल है वो डेसिमल फॉर्म में होता है, डेसिमल डिजिट है 10, या हेक्साडेसिमल में क्या होता है? सर एग्जाम ही होगा, सर एग्जाम ही होगा। तो हमने उसको इनवैलिड कंसीडर करना, यानी उसका वो डेसिमल नहीं होगा। वो डेसिमल में हमारे पास 0 to 9 होते हैं। ठीक है जी सर। यस सर। अच्छा, यहाँ पे आपके पास चलें इसको देख लें, ये आपके पास 4 बिट्स हैं, इसका वेट जल्दी से बताते नहीं, इसका वेट क्या है? 6 6 5 नहीं, 5 कैसे है, 6 है इसका वेट, निकाल लेना 8 8 4 2 1। यस सर। क्या है? 7 7 6 कैसे आ गया यार, 7 है। यस सर 7। और इसका 2 2 इसका, इसका भी 2 है, इसका भी 2, और लास्ट वन 8 सर 8 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
एट है इसका आंसर, एट टू टू सेवन और सिक्स, ठीक है, ये इसका डेसिमल आंसर है। तो यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन के बारे में बताया कि बीसीडी कोड को आप कहाँ पे डिजिटल सर्किट में कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, जैसे डिजिटल क्लॉक के बारे में मैंने आपको बताया था कि डिजिटल क्लॉक होती है सेवन सेगमेंट में जो नंबर आपके शो होते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको गौर करें, ये मैंने एक एट बनाया हुआ है, इसमें सेवन सेगमेंट है, गौर करें कितनी लाइन्स है, सेवन है। इस सेवन सेगमेंट की फिगर से आप जीरो भी बना सकते हैं, आप वन भी क्रिएट कर सकते हैं, आप टू भी बना सकते हैं, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तक आप डिजिट को शो कर सकते हैं डिजिटल फॉर्म में। मीन्स कि अगर आपके पास माइक्रो कंट्रोलर हो और एक डिस्प्ले डिवाइस हो जिसपे आप डिजिटल फॉर्म में आप डिस्प्ले करना चाहते हैं किसी वैल्यू को, किसी डिजिट को, तो आप इंडिविजुअल डिजिट को आप डिस्प्ले कर सकते हैं। बात फॉलो कर रहे हैं, जैसे आपके पास डिजिटल वॉच होती है तो उसमें भी आपके पास जो आर है वो आपके पास दो इस तरह के सेवन सेवन सेगमेंट के दो फॉर्मेट होंगे, जिसमें आप 12 आर भी कह सकते हैं, 11 आर भी कह सकते हैं, 10 भी कह सकते हैं। तो दो अलग अलग डिजिट यानी सेगमेंट को आप यूज करते हुए कोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। ये एप्लीकेशन हम जब प्रैक्टिकल करेंगे ना उसमें हम चीजें देखेंगे, अभी जस्ट अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं हम, अभी जस्ट अंडरस्टैंडिंग है हमारी। अच्छा ठीक है सर,
अब यहाँ पे हमारे पास है बीसीडी एडिशन। बीसीडी एडिशन का मतलब ये है कि आपने दो बीसीडी वैल्यू को आपने ऐड करना है, दो बीसीडी वैल्यू को आपने ऐड करना है। ऐड उसी तरह से करते हैं जिस तरह से बाइनरी फॉर्म में हमने एडिशन परफॉर्म की थी, लेकिन यहाँ पे फर्क ये आएगा कि आंसर जो आपका होगा अगर तो 0 से 9 तक होगा तो ठीक है, वैलिड है। अगर 0 से 9 नहीं है और उससे ग्रेटर 1 है तो आपने क्या करना है, आपने उसमें 6 ऐड कर देना है। जब आप 6 ऐड करेंगे तो टोटल आपके 16 हो जाएंगे ना, और उसमें एक कैरी जनरेट होगा उसको आपने ड्रॉप कर देना है। ठीक है, ड्रॉप करें या नेक्स्ट जो भी ग्रुप होगा उसको असाइन कर दें, कैरी फॉरवर्ड कर दें। ठीक है भाई, क्योंकि आपको 4 बिट्स में आंसर चाहिए ना, 4 बिट्स में आंसर चाहिए। जी सर। जब 4 बिट्स में आंसर चाहिए, अगर आपकी 5वीं बिट जनरेट हो रही है या तो वो नेक्स्ट ग्रुप में चली जाएगी या फिर ड्रॉप हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें कि आपके पास दो बाइनरी वैल्यूज हैं, बीसीडी वैल्यूज हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसका मतलब ये डेसिमल डिजिट की वैल्यूज हैं, ये 3 है, ये आपके पास 4 है। 3 और 4 को ऐड करें तो आंसर क्या आता है, 7 आता है ना। तो 7 भी 0 से 9 की रेंज में है तो आंसर ठीक है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 1+0, 1+0 और फिर 0+1 और फिर 0+0, तो आंसर उसके मुताबिक हमारा एक्यूरेट फॉर्म में जनरेट हो रहा है। ठीक, क्लियर? जी सर। देखें 1+1 हमारे पास 2 होता है, तो 2 को बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 0 और 1 कैरी फॉरवर्ड। जी सर। जब आप 1 कैरी फॉरवर्ड आप लिखेंगे तो आपके पास इसको मैं इस तरह से, तो ये अगेन 1+1 होगा, 1+1 फिर आपके पास 2 होगा, तो 0 और 1 कैरी फॉरवर्ड। जी सर। तो ये आपके पास 1+1 2, अगेन 0 और 1 कैरी फॉरवर्ड। तो 1+0+0 1, ठीक है, तो ये आपके पास 8 के इक्वल है। जी सर। और इसी तरह आप यहाँ पे देखें, सिंपल है, 0+1 1, 1+0 1 और अगेन 00 का 00 एज इट इज। ठीक है। जी सर। जी सर। अच्छा यहाँ पे देखें, इस इन एग्जांपल में देखें, आपके पास 1+0 1, 0+0 0 और 0+1 1 और 1+0 1, आंसर क्या आया? थर्टीन ग्रेटर देन 9 है। जी सर। तो हमने रूल ये पढ़ा है कि आपने 6 को ऐड करें तो आपके पास क्या आंसर आता है, 1+0 1, 0+1 1 और 1+1 2, 2 को हम लिख सकते हैं 0 1। ठीक है सर। तो 1+1 अगेन 0 1, तो 1 कैरी फॉरवर्ड, ये आपके पास कैरी फॉरवर्ड, ये नेक्स्ट ग्रुप में चला जाएगा, ये नेक्स्ट ग्रुप कंसीडर कर लें, डिस्कार्ड नहीं होगा इसमें, नेक्स्ट ग्रुप में आप डाल सकते हैं। ठीक है जी सर। अगर नेक्स्ट ग्रुप नहीं है तो उसको 0 0 कंसीडर कर लें। अगर ये इनवैलिड हो गया था, लेकिन हमने ऐड 6 ऐड क्यों किया इसमें? 6 ऐड इसलिए किया है कि आपके पास जो टोटल कॉम्बिनेशन थे, टोटल कॉम्बिनेशन हमारे पास 16 थे, जबकि वैलिड कितने थे, 10। जी सर। 10 वैलिड थे ना, तो आपके पास रिमेनिंग बच गए 6। मतलब जब भी कोई इनवैलिड आएगा हम उसको उसमें 6 ऐड करेंगे, 6 ऐड कर देंगे तो आपके डिजिट, आप 6 ऐड करने से क्या होगा, एक एक्स्ट्रा बिट जनरेट हो जाएगी, कैरी हो जाएगा ना, तो आपका आंसर एक्यूरेट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है सर, समझ आ गई। अब यहाँ पे देखें, ये 9 है और ये 4 है,
9 प्लस 4 कितना होता है 13, तो ये 13 में आंसर आ गया। इंडिविजुअल डिजिट को आप देखें, एक डिजिट बढ़ गया है ना। जी सर समझ आ गई। डबल डिजिट में आंसर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह यहां पे सेकंड बी में और सी में, डी में अगेन ये आपके पास ये सारे रिलेटेड प्रॉब्लम है। इस केस में भी आप देख लें, इसको भी आप ऐड कर लें, तो उसके बाद चार चार बिट के पेयर बनाएं और उनको ऐड कर दें, ठीक है जी सर। तो ये इनको ऐड करें, अगर आपका इनवैलिड निकलता है तो 6 ऐड कर दें और 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाए। कुछ एक्सरसाइज भी है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा, उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास एक कोड है जिसको हम कहते हैं ग्रे कोड। अब जो ग्रे कोड है ना, वो भी अरिथमेटिक, जिस तरह से हमने पहले कोड पढ़े थे उसमें वेट को कंसीडर करते रहे, ऐसे ना जी सर। ये हर बिट का एक वेट है, हर बिट का एक वेट है, वेट। लेकिन यहाँ पे आपके पास किसी भी बिट का वेट कंसीडर नहीं होगा, कोई स्पेसिफिक वेट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा कि बिट में पोजीशन चेंजिंग आएगी, मतलब बिट जो होगी जिस तरह से सर ऊपर लास्ट वाला क्वेश्चन एक दफा आप देखिएगा। कौन सा वाला सर? लास्ट इनमें या ऊपर? या सर इनमें, इसमें जी डी पार्ट, ये वाला? नो सर, एक्सरसाइज में जो है, एक्सरसाइज में नीचे जो एक्सरसाइज यहाँ पे जी सर। हाँ जी सेक्शन सही है, फोर वाला एक दफा बता रहे हैं। बीसीडी एडिशन, व्हेन इज अ फोर बिट सम इनवैलिड, कब होता है इनवैलिड आप बता दें, फोर बिट सम इनवैलिड कब होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके सर बताएं ना। ओके सर क्या होता है बताएं, सम कब इनवैलिड होगा, फोर बिट का सम सर कब? जब हमारे पास हेक्सा की मतलब हजार डेसिमल की जो अमाउंट, जब 9 बन जाएगा या फिर 11 12 आ जाएगा, जब आपका 4 बिट का आंसर 9 से बढ़ जाएगा वो आपका इनवैलिड होगा जी सर, ठीक है ना। ये यहाँ पे तो लिखा हुआ है ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9 होगा तो वो इनवैलिड होगा। ओके सर ठीक हो गया जी सर। अच्छा जी, ग्रे कोड में मैंने आपको बताया कि किसी किस्म का कोई वेट नहीं होता, तो ये सिर्फ आपके बिट को चेंज करने के लिए एक कोड से दूसरे कोड में, सिर्फ एक बिट को, सिंगल बिट को चेंज किया जाता है यहाँ पे। इसमें यहाँ पे आपके पास एक टेबल है जिसमें डेसिमल, बाइनरी और ग्रे दोनों कोड, तीनों कोड दिए हुए हैं, डेसिमल में, बाइनरी में और ग्रे में, ठीक है। अब गौर करें, यहाँ पे आपके पास जो टेबल है ये ऑलरेडी रिजॉल्व किया हुआ है, आपको नहीं पता ये कैसे आया, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे जनरेट हुआ है। डेसिमल में तो आपको पता है 0 से 7, 8, 9, 10, ये आपके पास डेसिमल वैल्यूज हैं, डेसिमल वैल्यूज। जैसे हमने बाइनरी की 4 बिट्स कंसीडर की थी, बाइनरी की 4 बिट कंसीडर की थी कि आप 4 बिट में भी आप बाइनरी को डेसिमल को लिख सकते हैं, और बीसीडी में हमने सिर्फ 0 to 9 कंसीडर की थी, ठीक है, यहाँ तक कंसीडर की थी बीसीडी में। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 4 बिट के बिहाफ पर 16 कम्बिनेशन बनते हैं, 8 ये हैं आपके सामने और 8 ये हैं, 16 कम्बिनेशन, ठीक है। अब उनके रिलेटेड ग्रे कोड में भी बिट्स हैं, लेकिन वो भी 4 बिट की हैं। अब अगर गौर करें तो आपके पास ये कोई भी आप कोड उठाएं बाइनरी का और उसको ग्रे में चेक करें तो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन बिट की पोजीशन चेंज है, कुछ बिट्स चेंज है उसमें। जैसे अगर मैं यहां तक देखूं तो
यहां तक सेम है आपके पास, यहां तक सेम है। नेक्स्ट वन देखें, 0010 को किस तरह से लिखा हुआ है, 0011, और 0011 को किस तरह से लिखा है, 110। और यहां पे देखें 0100 को किस तरह से लिखा हुआ है, 0110। अच्छा, इसमें होता क्या है, ग्रे कोड कैसे बनते हैं, इसमें आपने स्टार्ट करना है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से। किससे स्टार्ट करना है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से। तो बाइनरी की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वही आपकी ग्रे कोड की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी। दोबारा, जो बाइनरी की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वही ग्रे कोड की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट सेम होगी। ठीक हो गया, यहाँ पे देख लें ये जीरो है सारे, तो यहाँ पे भी सारे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जीरो है। यहाँ पे वन है तो यहाँ पे भी सारे वन है। Yes, sir. एक बात हो गई। अच्छा, अब आपने करना ये है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट लेना है, इसको पिक करना है और उससे आगे वाली कंसेक्यूटिव जो भी बिट है उसको ऐड करके आंसर लिख देना। यानी इसमें ग्रे कोड में दूसरी बिट जो आएगी उससे प्रीवियस बिट और करंट बिट का एडिशन कंसीडर किया जाएगा। मतलब 0+0 कितना हुआ, जीरो। फॉरवर्ड चलते रहें, दूसरी बिट उठाएं और तीसरी बिट उठाएं, 0+0 जीरो, फिर 0+0 जीरो। ठीक हो गया, इसी तरह 0+0 जीरो, 0+0 जीरो, और 0+1 ये वन। ठीक हो गया, यहाँ पे देखें ये जीरो एज इट इज, ये जीरो एज इट इज। अब ये जीरो और ये वाले जीरो दोनों ऐड करें, आंसर जीरो जीरो आएगा, ये आंसर आ गया जी सर। अब ये जीरो और ये वन, जीरो प्लस जीरो वन, वन आएगा, वन आ गया, और ये वन प्लस ये जीरो वन, तो ये वन। इस तरह से आपके सारे कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे और ग्रे कोड जनरेट होते जाएंगे। यहाँ पे देखें, गौर करें, ये आपके पास बाइनरी कोड था, बाइनरी कोड में आपके पास 1 0 1 1 0। अब मैंने आपको बताया कि जो ग्रे कोड होता है उसमें नंबर ऑफ बिट्स जितनी मर्जी आ सकती हैं, जरूरी नहीं है कि 4 ही हो, जरूरी नहीं है कि 4 बिट्स ही हो, तो आपके पास नंबर ऑफ बिट्स कितनी भी हो सकती हैं। तो आपके पास बाइनरी बिट्स हैं 1 0 1 1 0, तो आपने क्या करना है, ये वन मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एज इट इज, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एज इट इज, ठीक है, और फिर इस बिट को लेना है और नेक्स्ट वाली बिट को पिक करना है, दोनों को ऐड करें तो आंसर वन, इन दोनों को ऐड करें तो आंसर वन, इन दोनों को ऐड करें तो आंसर जीरो वन। वन आपने जो कैरी करना है ना वो छोड़ देना है, वो ड्रॉप कर देना है, ये आंसर जीरो, फिर इस वन को जीरो के साथ ऐड करें तो आंसर वन। क्लियर जी सर? यस सर। अच्छा, अब ग्रे से बाइनरी में किस तरह से होगा, अब आपने इस एन शेप को आपने फॉलो करना है। अच्छा, आपके पास ये वन एज इट इज उसी तरह से, ठीक। अब ये जो वन है ना आपका, इसको आपने लेके चलना है सेकंड वन के साथ। पहले तो आप ऐसे करते रहे ना, अब आपने इसको लेके चलना है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको आप ऐड करें तो आंसर आपके पास 1+1 0 1, जीरो आपने प्लेस कर दिया, वन आपने डिस्कार्ड कर दिया, ठीक, कैरी को आपने डिस्कार्ड करना है। अब जो नया आंसर आया उसको नेक्स्ट बिट, नेक्स्ट ग्रे बिट में ऐड करना है, नेक्स्ट ग्रे बिट में ऐड करें 0+0 तो आपके पास आंसर जीरो, फिर 0+1 आंसर आपके पास 1, 1+1 आंसर आपके पास 0 1, 0 आपने लिख दिया, 1 आपने ड्रॉप कर दिया। यानी आपने एडिशन एन शेप में करनी है, और करना कैसे, बाइनरी में जो बिट्स निकली हैं उसको ऐड करना है ग्रे की बिट्स में, और करना उसी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से, ठीक है। रनिंग टोटल आपने लेके चलना है, रनिंग जो भी आंसर है उसको लेके चलना है, रनिंग आंसर को लेके चलना है, ये आंसर आया इस आंसर को नेक्स्ट बिट में लेके जाना,
जबकि यहाँ पे आंसर को लेके नहीं जाया जा रहा है, यहाँ पे उन्हीं ओरिजिनल बिट्स को कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है भाई? ठीक है सर, यहाँ पे वन वन किया तो टू नहीं आएगा। मैंने आपको बताया कि आपने कैरी को डिस्कार्ड करना है, ये देखें ये लिखा हुआ है जी सर, डिस्कार्ड कैरी, ठीक है? तो उसको नहीं लिखेंगे साहब? नहीं उसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखें ये एक आपके पास बाइनरी नंबर है, इसको ग्रे में कन्वर्ट करना है, तो कंजेक्टिव नंबर कंजेक्टिव बाइनरी बिट्स को आपने ऐड करना है और आगे बिट्स जनरेट करते जाने, ग्रे में लिखते जाने। वन प्लस वन जीरो वन होता है, आपने वन जो कैरी जनरेट हुआ है उसको ड्रॉप करना है। अगेन वन प्लस जीरो वन, जीरो प्लस जीरो वन, सॉरी जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, और वन प्लस वन जीरो वन, जीरो लिख दिया वन, ड्रॉप ड्रॉप कर देंगे, वन प्लस जीरो वन, ठीक है? इसी तरह ग्रे से बाइनरी में जाना है तो आपने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एज इट इज लिख दी। अब जो बाइनरी की जो बिट्स आई है उसको ग्रे की बिट्स में ऐड करना है, ठीक है? ओके सर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक एप्लीकेशन, इसको आप स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक कोड है ASCII कोड। ASCII कोड बेसिकली अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी ये ऐसा कोड होता है जिसको हम 7 बिट कोड बोलते हैं, 7 बिट बाइनरी कोड, यानी इसमें आप 128 करेक्टर, 128 सिंबल, 128 मींस के टोटल करेक्टर सिंबल और ग्राफिक, इस तरह से आपके पास तमाम करेक्टर जो 128 हैं जो आप कीबोर्ड की मदद से आप यूज करते हैं वो ASCII कोड कहलाते हैं। मतलब आप कंप्यूटर में जो कुछ भी लिखते हैं, कंप्यूटर में जो कुछ भी लिखते हैं, अल्फाबेट्स में लिखते हैं या न्यूमेरिक फॉर्म में लिखते हैं, उनका एक कोड होता है, उनका एक रेलिवेंट कोड होता है, और उस कोड को हम कहते हैं 7 बिट कोड या डेसिमल कोड होता है। और वो डेसिमल कोड कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेकर 127 तक, 0 से लेकर 127 तक कोड होते हैं। जैसे आप लिखते हैं ना अल्फाबेट, अगर आपके पास कैपिटल ए लिखना है आपने, तो आपने तो कैपिटल ए लिखा है लेकिन कंप्यूटर को ए का नहीं पता, कैपिटल ए का नहीं पता, तो वो उसको किस में कन्वर्ट करेगा? बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा ना। बाइनरी फॉर्म कैसे कन्वर्ट करेगा? उसका कोड क्या होगा? कैपिटल ए का कोड क्या होगा? 65। ये आपने कैसे, आपको पता है कि आपने उस टेबल को अंडरस्टैंड किया होगा या पढ़ा होगा? कैपिटल ए का है 65 डेसिमल कोड, फिर 65 जो डेसिमल है उसको कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी फॉर्म में, ठीक है? देन उसको अंडरस्टैंडिंग होती है कि फिर ये आपके पास ये कैपिटल ए है, स्मॉल ए का 97 है। तो इसी तरह आपके पास अल्फाबेट्स हैं ए टू जी स्मॉल में और कैपिटल में, इसी तरह आपके पास डिजिट है 0 to 9, सिंबल्स है आपके पास प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिविजन रिमाइंडर परसेंटेज जिसे बोलते हैं, या ब्रैकेट्स हैं या डॉलर हैं या नंबर साइन है, एट दी रेट, इन सब के क्या हैं? कोड हैं, और उनको हम क्या कहते हैं? ASCII कोड, डेसिमल फॉर्म में, हेक्साडेसिमल फॉर्म में या फिर बाइनरी फॉर्म में आप इनको यूज करते हैं, ठीक है? यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर आपके पास इफ एक्स ग्रेटर देन 5 तो इसको डेसिमल फॉर्म में और सॉरी हेक्साडेसिमल फॉर्म और बाइनरी फॉर्म में लिखा हुआ है ASCII कोड के बिहाफ पर। आप ASCII कोड को जो टेबल है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं और इस बुक में आपके सामने ये टेबल दिया भी हुआ है, ठीक है? तो ये 0 से लेकर 127 तक, यानी टोटल 128 करेक्टर को ASCII सिंबल्स या ASCII करेक्टर में किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से उसके कोड को लिखते हैं और किस तरह से कन्वर्जन होती है, कन्वर्जन का आपको पता है, और जो करेक्टर्स हैं